हिमाचल प्रदेश में वन संपदा को सबसे अधिक नुकसान आगजनी की घटनाओं से हो रहा है। इनमें कुछ प्राकृतिक और अधिकतर घटनाएं लोगों द्वारा आग लगाने के कारण पेश आ रही हैं। आने वाले समय में आग लगाने वाले की सूचना देने वाले को पुरस्कृत करने का भी प्रावधान किया जा रहा है और उसका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में वन संपदा को सबसे अधिक नुकसान आगजनी की घटनाओं से हो रहा है। इनमें कुछ प्राकृतिक और अधिकतर घटनाएं लोगों द्वारा आग लगाने से पेश आ रही हैं। आने वाले समय में आग लगाने वालों की सूचना देने वालों को पुरस्कृत करने का प्रावधान भी किया जा रहा है और उसका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। इस बात का खुलासा वन परिवहन एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने रामपुर और सराहन दौरे के दौरान एक होटल के उद्घाटन के अवसर पर कहे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पहले चरण में मनाली धर्मशाला में परिवहन निगम इलेक्ट्रिकल बसों का प्रयोग कर रहा है। आने वाले समय में हर जिला मुख्यालय में इलेक्ट्रिकल बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वनों की बढ़ती हुई आगजनी की घटनाओं के कारण वनों को भारी नुकसान पहुँचा है। संवेदनशील क्षेत्रों में छोटे छोटे पेट्रोलिंग ग्रुप तैनात किए गए हैं जो सारी सुविधाओं से लैस होंगे। उन्होंने पहले जंगलों में आग बुझाने के प्रयासों के लिए बजट नहीं होता था, लेकिन अब 1 करोड़ रुपए का स्टेट एवं 1.5 करोड़ का बजट कैंपा के द्वारा रखा गया है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अभी तक प्रदेश में आगजनी की 523 घटनाएं पेश आई हैं, जिससे करीब 50 लाख रुपए की क्षति वनों को पहुंची है। उन्होंने बताया कि कई लोग निजी स्वार्थ के लिए जानबूझकर वनों को आग के हवाले कर रहे हैं। सरकार ने ऐसे लोगों की सूचना देने वालों का नाम गुप्त रख के उन्हें उचित इनाम देने की योजना भी बनाई है। जहां पर बर्फ से ढकी चोटियां हैं, जहाँ पर नदियों का पानी है, जगह जगह पर झरने हैं, हर तरह का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो भगवान ने अपार संपदा हमको दी है। कई जब पर्यटक आते थे तो रहने को जगह नहीं मिलती थी और इसी कारण से बिना किसी योजना के रातों रात होटल बनते गए, गेस्ट हाउसेस बनते गए, हमारा एडवेंचर टूरिज्म बढ़ता गया। अब उस सब के साथ कई प्रकार की समस्याएं भी खड़ी हो रही है, लेकिन ये रामपुर का क्षेत्र, माता भीमा काली, ये सब अभी पर्यटन की दृष्टि से बढ़ने वाले क्षेत्र हैं, जहां पर अब जो संभावना है वो और अधिक है। वहीं गोविंद ठाकुर ने बताया कि सरकार प्रदेश में बढ़ते हुए वाहन प्रदूषण के मद्देनजर अपने परिवहन बेड़े में इलेक्ट्रिकल बसें को तरजीह देने जा रही है, जिसके तहत इस समय 25 बसें कुल्लू मनाली में और 30 के करीब बसें शिमला में चल रही हैं तथा 30 और नई बसें आने वाली हैं। मनाली शिमला व धर्मशाला के बाद हर जिला मुख्यालय में इलेक्ट्रिकल बसें चलाने का विचार भी प्रदेश सरकार कर रही है। इन बसों के चार्ज के लिए स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। ये क्षेत्र पर्यटन की दिशा में तेजी से बढ़ते कदम बढ़ा रहा है। युवाओं को भी रोजगार के द्वार खुलेंगे। सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है। अभी श्रद्धेय नरेंद्र मोदी की सरकार ने फिर से फेम टू नई योजना लाई जा रही है, जिसके कारण से इलेक्ट्रिकल बसेस और इलेक्ट्रिकल जो भी गाड़ियां होंगी उनके क्षेत्र में विशेष तौर पर 50% का सब्सिडी का प्रावधान किया जा रहा है और इस क्षेत्र में हम और आगे इसको बढ़ाने वाले हैं। और धीरे धीरे अभी तो शिमला है, कुल्लू मनाली है, धर्मशाला स्मार्ट सिटी है, लेकिन अब इसके बाद हमारा प्रयास है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी इसकी व्यवस्था करें और इसीलिए हम अब धीरे धीरे प्रयास ये कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल बसेस को जो चार्ज करने के स्टेशन है उनका निर्माण हमने प्रारंभ कर दिया है।